अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब जफर है और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में से एक्सरसाइज चल रही है। और आज की एक्सरसाइज हम देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7 है। और जिस तरह पिछली वीडियोस में हमने देखा था और लास्ट हमने जो वीडियो एक्सरसाइज नंबर 6 है उसमें देखा था कि हमारे पास थ्री वैल्यूज आ रही हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, उनमें से मैक्स थ्री में से हमने मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका फंक्शन हमने बनाया था और टेस्टिंग भी की थी फर्दर नंबर ले। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का वो प्रोग्राम जिसमें हम कोई वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यूज फाइंड करते हैं दो इंटीजर के दरमियान। आइए, मैंने ये जेएस बिन का कंपाइलर ओपन किया हुआ है और इधर सिंपल कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह पिछली जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में मैंने नेस्टेड फॉर लूप बताया था, इफ के बारे में डिस्कशन हुई थी। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर इफ को इस्तेमाल। तो आइए, जेएस बिन का कंपाइलर ओपन किया है, मैं इधर कोड करने लगा हूँ। तो मैं लिखता हूँ सिंपल फंक्शन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज्यादा फंक्शनल बेस है। हम फंक्शन फंक्शन नियरेस्ट नियर वैल कर लेते हैं और नियर वैल में हम दो प्रॉप्स पास कर लेते हैं। तो प्रॉप्स हम ले लेते हैं एक्स और वाई, और ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन में हम इफ कंडीशन लेते हैं, इफ अगर तो हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू है वाई के, तो हमें क्या रिटर्न कर दे। तो रिटर्न का देखते हैं, इससे पहले हम दो फंक्शन मैथ डॉट एबीसी ABS, ये फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे मैथ की लाइब्स। मैं इधर वैल वन कर लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ मैथ। मैथ आपने देखना है कि कैपिटल रखना है एम जो है इसका, मैथ डॉट ए बी एस। और इसमें हमने एक्स को माइनस कर लेना है, फर्द करें हम कोई नंबर ले लेते हैं लाइक 1000 ले लेते हैं। इसी तरह वैल टू, और इसको मैं जब करता हूं तो मैथ डॉट ए बी एस, और इसको मैं कर लेता हूं वाई माइनस 1000। अब हमने जो इंटीजर दो लिए हैं उसकी कैपिटल वैल्यू क्या रखी हुई है 1000। तो अब हम इसके अंदर एक और इफ लगाते हैं, इफ ये नेस्टेड इफ हो गया, अगर तो हमारे पास वैल वन लेस देन है वैल टू से, तो हमें क्या रिटर्न कर दे। तो हम इधर रिटर्न करवा लेते हैं एक्स। अब ये रिटर्न एक्स जो हो रहा है, एक्स हमारी प्रॉप्स वाली वैल्यूज जो वो है वो हमारे पास इधर रिटर्न होता है। इसी तरह अगर तो इफ वैल वन लेस देन है, अगर इफ अगर तो हमारे पास वैल वन ग्रेटर देन है वैल टू के, हमें रिटर्न कर दे सिंप्लीफाई। इसी तरह हम लास्ट पे रिटर्न करवा लेते हैं वैल्यू जो हमने ऊपर वाली इफ कंडीशन जो है बाहर वाली लगाई हुई है, तो रिटर्न जीरो कर लेते। अब जब हमने रिटर्न जीरो करवाया तो ये हमारी कंडीशन तो इधर तक चल गई, लेकिन हमारे फंक्शन को हमने क्या रिटर्न करना है, तो उसको हम हेल्थ कर लेते हैं और इसको हम रिटर्न सिंपली कर देते हैं फॉल्स। अब जब मैंने इसको रिटर्न फॉल्स करवाया था तो ये मैंने रिटर्न फॉल्स करवा दिया। अब मैं इधर कंसोल करवा के देता हूँ कि कंसोल में मैं क्या लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ कंसोल, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने कंसोल करवा के आपको वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाई थी, तो कंसोल डॉट लॉग। अब मैं इसमें वैल्यू ले लेता हूँ, अपना फंक्शन जो रन है नियर वैल, और इसके अंदर मैं वैल्यू जो पास कर देता हूँ वो मैं दो वैल्यू पास करूँगा, एक हमारे पास होगी एक्स की वैल्यू, दूसरी की होगी वाई की वैल्यू। तो मैं इधर फर्ज करें पास कर देता हूँ 800, चले 888 कर लेते हैं, और दूसरी जो वैल्यू मैं पास कर देता हूँ
9999 कर दूं। अब मेरे पास जो रिटर्न होगा वो बेसिकली वाई रिटर्न होगा, लाइक हमारे पास वैल्यू ये वाली रिटर्न, हम इसको कर लेते हैं। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो मेरे पास 99 है। अगर मैं इसी को कॉपी करके तो सिंपल 100 की लाइन में लेके आना चाहता हूँ, लाइक क्योंकि मैं इसको 100 कर लेता हूँ, वाई को भी 100 कर लिया। अब मैं इधर लिख लेता हूँ दो वैल्यू, इसको मैं कर लेता हूँ 99, इसको मैं कर लेता हूँ 95 कर लेते हैं। जस्ट टेस्टिंग ही करनी है, हम इसको कमेंट कर लेते हैं। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ क्लियर कर लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 99। अब मेरे पास जो फंक्शन रन हो रहा है वो रिटर्न कर रहा है एक्स। तो ये था हम अपने दो इंटीजर के दरमियान जो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी को आपका कोई क्वेश्चन है जेएस के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।